हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2.6। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटॉन्स विच करेस्पॉन्ड टू द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतनी हर्ट्ज एंड हैव वेवलेंथ ऑफ इतनी एंगस्ट्रॉन। मतलब इतने एंगस्ट्रॉन और इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के हमको क्या करना है, फोटोन की एनर्जी का पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया क्या है, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है करेस्पॉन्ड टू लाइट फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3 × 10^15 हर्ट्ज। ठीक है, हमें इसकी क्या बतानी, एनर्जी बतानी, इक्वल टू व्हाट, राइट। और देन सेकंड जो हमें कैलकुलेट करना है, सेकंड में हमें दिया हुआ है वेवलेंथ, यानी लैम्डा दी हुई है 0.50 एंगस्ट्रॉन, इसकी एनर्जी हमें बतानी है इन दोनों की। तो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एनर्जी हम जानते हैं E इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, सिंपल सा फार्मूला होता है। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 × 10^-34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 3 × 10^15 हर्ट्ज दिया हुआ है। हर्ट्ज को हम लोग पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड है तो हमें सेकंड कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पे पर सेकंड लिखे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, 10^-34 ये क्या है, 15 है, तो -34 और 15 ऐड कर दिए, 14 में से 5 के कितना बचेगा, 9, 2 में से 1 कितना बचेगा, 1 जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है, यहाँ लग जाएगा 19, यानी 10^ कितनी आ जाने वाली है, -19 जूल। ये आएगा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, 3 को इसे मल्टीप्लाई कर दिए रख के, तो 3 × 6 = 18 का 8 आ जाएगा, 1 आएगा, 3 × 2 = 6 और 1 = 7 हो जाएगा, 3 × 6 = 18 आएगा, 1 बचेगा, 3 × 6 = 18 और 1 = 19 हो जाएगा। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1.9878 × 10^1। 1 प्लस में बढ़ेगी तो -19 में से प्लस 1 चला जाएगा, कितना बचेगा, -18 जूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ये एनर्जी हो जाएगी, इसका निकालिए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है C/λ। ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखिए। तो E इक्वल टू, हम एक फार्मूला और होता है E = HC/λ। एच हमें दिया हुआ है 6, हमें पता है 6.626 10^-34 जूल इंटू सेकेंड। सी क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमें दे रखी है कितनी, 0.50 एंगस्ट्रॉन, यहाँ मीटर है तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन क्या होता है, 10^-10 मीटर, तो 0.50 × 10^-10 मीटर। तो ये लैम्डा रख दीजिए यहाँ पर, 0.50 × 10^-10 मीटर, ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, जूल में आंसर हमें मिलने वाला है। अब देखिए -34.8 कितना बचेगा, 26, जो बड़ा होता है उसका साइन लग जाएगा, 10^-26। -10 ऊपर ले जाएंगे, इसका हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 × 6 = 18 का 8 हो जाएगा, हाथ लगा 1, 3 × 6 = 7 हो जाएगा, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18 और 1 = 19, नीचे क्या है, 0.50। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको कर लीजिए कैलकुलेट। तो ये हटाइए पावर, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, ये हो गया 10^12 हो गई, 12 और 26 चले कितना चाहिए, 24, जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगता है, सॉरी 12 और 26 चले कितना बचे, 14, तो जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लग जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसको कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 × 3 = 15 बचेगा, कितना 4, 5 × 9 = 45 बचेगा, 3 × 5 = 35 बचेगा, 2 × 5 = 25 बचेगा, 3 × 5 = 30 नीचे 10 है तो क्या हो जाएगा, 10 एक ऊपर चला जाएगा, या इसको क्या लिख सकते हो, 0.3975 लिख सकते हैं, जूल में आया आंसर। एक कदम इधर पॉइंट को ले क्या जाएगा, 3.975 × 10^-15 जूल।
समझ में आया? आई होप आपके सॉल्यूशन समझ में आया हो। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।